Now today we'll be learning about the tables, how to create tables in your HTML. Now to create tables in your HTML, you need to create the table tag within the body tag. Now jo hum logon ne last file hum use kar rahe the, jiske andar humne sara apna kaam kiya, we'll open that particular file. How to open the existing HTML file in which you want to make the changes, just open notepad, theek hai, and go to file and click on open. Now open mein jaise isi folder mein meri file hai, but it's not displaying here. So what I'll do is I'll go to this file of types jahan pe text document likha hua hai, and I'll choose all files here. All files click karne se sari files hamare display ho rahi hain, aur jisme hame editing karni hai apni, changes karne hai, just select that particular file and click on open. So hum jisme apna kaam kar rahe the wo file hamari open ho chuki hai, theek hai. Iske andar agar hum table koi create karna chahte hain, सो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या टैग देंगे. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल यू हैव टू गिव द टैग एज टेबल टैग, ठीक है. नाउ टेबल टैग के बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो बाद में देखेंगे. टेबल टैग बनाने के बाद उसके जो सब टैग है, ठीक है. नाउ टेबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर कोई डाटा को आपको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो आपको बताना होगा कि कितने रोज चाहिए कितने कॉलम्स चाहिए. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आपके टैग्स के बेसिस पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट होते हैं अपने आप ही, ठीक है. सो टेबल का जो चाइल्ड टैग है दैट इज़ दी टी आर टैग. टी आर टैग से क्या होता है, टेबल का पहले रो बनता है एक. तो पहला रो हमने बनाया, उस रो के अंदर आपको अगर डाटा लिखना है तो आप डाटा लिखने के लिए आप लिखोगे टी डी, और जो टी डी टैग है वो आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे. जितने टी डी टैग होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ टी डी मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स उतने होंगे, जितने टी आर होंगे उतने उसमें रोज होंगे. सो टी डी टैग में मैंने कहा सिर्फ एग्जांपल सीरियल नंबर, टी डी टैग को मैंने क्लोज किया, ठीक है. आफ्टर दैट मैंने एक और टी डी टैग बनाया एंड आई राइट एज से नेम, मैंने फिर से टी डी टैग को क्लोज किया. मैंने एक और टी डी टैग बनाया से क्लास, मैंने फिर से टी डी टैग को अपना क्लोज किया. मैंने फिर से एक टी डी टैग बनाया, मैंने लिखा सेक्शन, अगेन आई क्लोज द टी डी टैग, अगेन आई स्टार्ट द टी डी टैग एंड राइट से फोन नंबर, ठीक है. आई क्लोज द टी डी टैग अगेन, सो I close the tr tag also. So what will happen is, ये हमारा लिखने से क्या होगा, I'll close the table tag also. So to create the table, table tag का child tag होता है tr. tr means table की row और td means table का data. Table का data means कितने td हैं इसके अंदर, first td, second td, third td, fourth td, fifth td, that means there will be five columns एंड ओनली वन टी आर इज़ देयर. ये जो है ये तो क्लोजिंग टी आर है ना, इस टी आर का बंद जो ओपनिंग टैग है इस ये इस उसी टी आर का क्लोजिंग टैग है. सो ओनली वन टी आर इज़ देयर मतलब एक ही रो आएगा लेकिन उसमें फाइव कॉलम्स होंगे, और उन फाइव कॉलम्स के अंदर पहले कॉलम में होगा सीरियल नंबर, दूसरे में नेम लिखा होगा, फिर क्लास, सेक्शन एंड फोन नंबर. इफ़ आई जस्ट गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है, मैंने यहाँ पर फाइल पर जाके मैंने इसमें सेव किया and I just run this file. Run कहाँ से करेंगे, जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, से माई कंप्यूटर के अंदर, ई ड्राइव के अंदर, क्लास 11th एंड 12th के अंदर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, से एच टी एम एल के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल 2.html फाइल है मेरी, ठीक है. सो इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फ़ोन नंबर, आपको अभी फ़िलहाल एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये टेबल्स हैं. अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, बीच में गैप आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और रो कितने, एक ही रो है. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर. सो अब स्पेस देखे अगर बॉर्डर देते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. से मैंने बॉर्डर दिया वन, ठीक है, फाइल पे गया, सेव क्लिक किया, रीलोड करता हूँ. सो यू कैन सी टेबल का बॉर्डर आ गया, तो जो डिवाइडिंग लाइंस आ रही हैं कॉलम्स के बीच में, तो आपको पता चल रहा है ओके कौन सा कॉलम में क्या मैटर डला हुआ है अभी. नाउ सीरियल नंबर अब 1, 2, 3 करके डालना चाहता हूँ. सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज़,
I have to create another row. एक अलग से मैं रो क्रिएट किया मैंने, उस रो के अंदर मैंने अपना टी डी के अंदर दिया, से फॉर एग्ज़ाम्पल वन, सीरियल नंबर वन, टी डी को मैंने क्लोज़ किया। दूसरा टी डी में क्या दिखाना है, नाम दिखाना है, से मैंने नाम दिखाया ए बी सी, ठीक है, टी डी को फिर से मैंने क्लोज़ किया। तीसरे टी डी में क्या दिखाना है, क्लास दिखाना है, सो मैंने टी डी स्टार्ट किया, क्लास मैंने लिखा से 11, टी डी को मैंने फिर से क्लोज़ किया, फिर मैंने टी डी स्टार्ट किया, देन दिस सेक्शन से पी सी एस, एंड देन अगेन आई क्लोज द टी डी टैग, देन द फोन नंबर से टी डी टैग, ठीक है, एंड देन द फोन नंबर से जो भी आपको नंबर इसमें डिस्प्ले करना है, एंड देन द टी डी टैग आपने क्लोज़ किया, ठीक है, एंड अगेन आई क्लोज द टी आर टैग। सो हमारे दो रो हैं, पहले रो में सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और फ़ोन आ रहा है अलग अलग कॉलम्स में, क्योंकि टी डी के अंदर है वो, और नेक्स्ट रो के अंदर वन, ए बी सी, इलेवन, पी सी एस और 99 जो है ये डिस्प्ले करेगा। फाइल पे गया मैं, सेव किया, आई रीलोड इट अगेन, सो हमारा ये आ गया। टेबुलर फॉर्मेट में अगर एक और रिकॉर्ड डालना है हमें इसके अंदर, ठीक है, मतलब एक और रो क्रिएट करना है, तो फिर से वही फॉर्मेट टी आर बनाना है, टी आर के अंदर फिर से हमें टी डी लिखना होगा, ठीक है, से नंबर टू एंड सो ऑन, उसी तरीके से सेम। तो जितने आप इसमें टी आर बनाना चाहते हो बना सकते हो इसके अंदर, तो नंबर ऑफ़ टी आर जितने होंगे उतने रो क्रिएट होंगे, और नंबर ऑफ़ मैक्सिमम टी डी जितने होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। मैंने नाम दिया एक्स वाई जेड, मैंने क्लास दिया से 12th, देन आफ्टर दैट स्ट्रीम दिया मैंने, सेक्शन मैंने दिया पी सी एम, एंड देन द फोन नंबर मैंने दिया, ठीक है, अगेन आई क्लोज द टी डी टैग, एंड फाइनली आई क्लोज द टी आर टैग। तो सारा काम हमारा ध्यान से देखना, नीचे टेबल टैग भी है, तो टेबल टैग के अंदर एनक्लोज है सारा। आई रिफ्रेश इट, तो सेकेंड एक और रो इसमें क्रिएट हो गया है। So now you know how to create a table within your HTML. So table बनाने के लिए आपको लिखना है, ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है, table border is equal to, अगर उसका attribute use करते हो तो border दिखाएगा, नहीं तो border नहीं दिखाएगा, table होगा लेकिन border नहीं दिखाएगा। फिर उसमें row create करने के लिए tr, और td में td के अंदर मतलब td tag opening and closing tag के बीच में जो भी content लिखोगे वो उस particular column में, क्योंकि ये first td है तो ये फर्स्ट कॉलम में दिखाएगा, ये सेकंड टीडी है तो सेकंड कॉलम में नेम दिखाएगा, पहले रो के सेकंड कॉलम में नेम दिखाएगा, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में क्लास दिखाएगा, फर्स्ट रो के फोर्थ कॉलम में सेक्शन दिखाएगा, फर्स्ट रो के फिफ्थ कॉलम में फोन एनओ डॉट दिखाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये टी आर दूसरी बार मिला उसको इस टेबल में, तो सेकेंड रो में पहले कॉलम में वन दिखाएगा, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में आपका ए बी सी दिखाएगा, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में आपका 11 दिखाएगा, उसी तरीके से सो ऑन, आपका सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में पी सी एस दिखाएगा, एंड सेकेंड रो के फिफ्थ कॉलम में ये आपका दिखाएगा। सिमिलरली सेम फॉर दिस पर्टिकुलर टी आर एंड द टी डी टैग्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द टेबल्स आर बीइंग क्रिएटेड। नाउ वील सी सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग। नाउ टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स हमने बॉर्डर तो एक देख ही लिया है, बॉर्डर साइज टू बी डिस्प्लेड 0 फॉर नो बॉर्डर, इफ़ यू पुट 0 नो बॉर्डर विल बी डिस्प्लेड। बॉर्डर का कलर क्या दिखाना चाहते हो, उसके लिए आप दोगे बॉर्डर कलर, मैं इसको छोटा कर दिया है। सो यहाँ पे अगर स्पेस आके आप देते हो बॉर्डर कलर इज इक्वल टू आपने कहा रेड, तो बॉर्डर का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। देखो ये जो बॉर्डर का जो कलर है दैट इज़ बीइंग डिस्प्लेड इन रेड। तो ये जो बॉर्डर है टेबल का बॉर्डर तो ये है ना, आउटलाइन जो है दैट इज, अंदर जो बॉर्डर है दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल स्पेसिंग, अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी यूज बिटवीन सेल्स। इसमें जो सेल्स हैं
ठीक है, सेल्स मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सीरियल नंबर और नेम है, इसके बीच में आपके स्पेस कितनी होनी चाहिए दोनों के बीच में। सो सेल स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग दिस सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्पेस देके फिर से टेबल के अंदर ही यहाँ पे दे सकते हो सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू साइज, आप स्पेसिफाई कर सकते हो से 10। इफ आई जस्ट गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है, रीलोड हम इसको करते हैं। सो यू कैन सी जो सेल के बीच में स्पेसिंग्स हैं वो आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सेल पैडिंग, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कॉन्टेंट्स। तो एक तो हो गया सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मतलब हर सेल के बीच में कितनी स्पेस होगी, और सेल पैडिंग का मतलब होता है जैसे ये नेम लिखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर सेल के अंदर है, तो ये नेम है ये ऊपर लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम से कितनी जगह छोड़ के डिस्प्ले होगा उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। ठीक है, सो सेल पैडिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टू लीव बिटवीन द सेल एंड द सेल कॉन्टेंट। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देते हो से सेल पैडिंग इज इक्वल टू 20, ठीक है, सो इट विल लीव 20 स्पेसेस बिटवीन द सेल एंड द सेल कॉन्टेंट। तो ये नेम जो है यहाँ से लेफ्ट राइट से 20 स्पेस छोड़ा, टॉप से 20 स्पेस, लेफ्ट से 20 स्पेस और बॉटम से 20 स्पेस। तो पूरे सेल में सेल पैडिंग आपको बताता है कि सेल कंटेंट और सेल के बीच में कितना गैप होगा, और सेल स्पेसिंग से एक दूसरे के जो सेल्स हैं उनके बीच में कितना गैप होगा। एंड देन इज द अलाइन, अलाइन मतलब जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो लेफ्ट में अलाइन होगा या राइट में या सेंटर में, कहाँ पर। सो यू कैन गिव हियर से अलाइन इज इक्वल टू, आपने अगर कहा से राइट, ठीक है, फाइल पे गया मैं, सेव क्लिक किया, आई रीलोड इट अगेन। ठीक है, सो जो टेबल है दैट्स हैव बीन अलाइंड टू द राइट, इफ आई पुट इट एज अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, तो टेबल जो होगा वो सेंटर में डिस्प्ले होगा हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सेंटर में हमारा टेबल डिस्प्ले होना शुरू हो गया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बैकग्राउंड, अगर टेबल के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है, अभी तो हमने देखा था बैकग्राउंड सिर्फ हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट देखा था, तो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट अगर हम बैकग्राउंड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स इज जितना भी उसमें जो इमेज हमने इस्तेमाल की है वो पूरे बैकग्राउंड में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड लगाने से सिर्फ टेबल के हिस्से में बैकग्राउंड आएगी। सो हम लोगों के फोल्डर में एक फाइल थी, यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ ब्लू हिल्स डॉट jpg। If I come here and write here background, ठीक है, equal to blue hills, ऊपर फाइल का नाम आ रहा है देखो यहाँ से ब्लू हिल्स डॉट jpg, तो ब्लू हिल्स में स्पेस है डॉट jpg, ठीक है, फाइल का नाम देना है और उसी फोल्डर में होनी चाहिए वो फाइल। सेव करता हूँ, नाउ सी द इफेक्ट। सो टेबल के बैकग्राउंड में एक इमेज चली गई है, दैट इज़ ब्लू हिल्स डॉट jpg वाली फाइल डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जो है अलग है एज़ कम्पेयर टू द होल ऑफ द बॉडी, सिर्फ टेबल का बैकग्राउंड आपका चेंज हुआ है, समझे। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज bg कलर, बैकग्राउंड और bg कलर दोनों ऑल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, या तो आप बैकग्राउंड में इमेज चाहोगे या बैकग्राउंड में कोई कलर चाहोगे। सो अगर आप कलर चाहते हो तो आप bg कलर इक्वल टू कलर का नाम लिख दोगे। ठीक है, से इस बैकग्राउंड को मैं हटाता हूँ, बाद में दोबारा लगा दें बिकॉज इट्स लुकिंग नाइस। सो bg कलर आप देते हो इज इक्वल टू अगर आपने कहा रेड, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज से मैंने करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो इस टेबल का जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में आ गया। ठीक है, सो यू कैन आइदर यूज़ bg कलर और द बैकग्राउंड, अगर आप दोनों लगाओगे, दोनों लगा दोगे एक ही चीज़ काम करेगी, या तो बैकग्राउंड या bg कलर, जो बाद में होगा वो आपका काम करना शुरू कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पे हमने बैकग्राउंड लिखा है, इसमें bg कलर अगर मैं बाद में कर देता हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी विच विल वर्क। सो बाय डिफॉल्ट अगर बैकग्राउंड और bg कलर दोनों है तो बैकग्राउंड काम करेगा, bg कलर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, सो देर इज़ नो यूज़ हेयर राइटिंग bg कलर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज द बैकग्राउंड, but you can you know that you can even change the background of the table. Then is the height, आपको height कितना height चाहिए table का, ठीक है, और width
कितना विड्थ उसका चाहिए, टेबल का विड्थ कितना चाहिए. सो यू कैन पुट हेयर हाइट. अभी तो कंटेंट के हिसाब से उसका हाइट और विड्थ एडजस्ट होता है, लेकिन अब हम जो हाइट देंगे, से आपने दिया 600, ठीक है, 600 विल बी मोर, 300 अगर आप देते हो, ठीक है. और अब मैंने विड्थ दिया 600, तो टेबल विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ 600 by 300. सो इसको रिफ्रेश करते हैं. सो देख रहे हो कि जो विड्थ है वो 600 हो गया और जो हाइट है ऑटोमेटिकली 300 हो गया, ठीक है. आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हो, से अगर मैं 800 इसको करता हूँ, तो इसका जो विड्थ होगा दैट विल बी इंक्रीज्ड, विड्थ आपका बढ़ गया है इसमें. सो दिस इज़ हाउ यू कैन एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल बाई यूजिंग आइदर द हाइट एट्रीब्यूट और द विड्थ एट्रीब्यूट. तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, बॉर्डर, बॉर्डर दिखाने के लिए, बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, सेल स्पेसिंग, अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट बिटवीन द सेल्स एंड द सेल पैडिंग, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कॉन्टेंट, जो सेल के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है उसके बीच में और सेल का जो बॉर्डर, उस पर्टिकुलर सेल का जो बॉर्डर है उसके बीच में कितना गैप होगा. अलाइन टेबल किधर अलाइन होगा बॉडी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट में अलाइन होगा या राइट में दिखाना चाहते हो, सेंटर में. बैकग्राउंड, टेबल के बैकग्राउंड में कौन सी पिक्चर आप लगाना चाहते हो, बीजी कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, हाइट, टेबल की हाइट कितनी होगी, विड्थ, टेबल का विड्थ कितना होगा, ठीक है. सो यू हैव सीन ऑल दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल. नाउ सब टैग ऑफ टेबल एज यू नो इज द TR, एक TH भी होता है, बट यू रिमेम्बर ओनली द TR टैग. सो TR होता है हमारा सब टैग ऑफ द टेबल. सो उसके एट्रीब्यूट्स आपके हैं अलाइन, बैकग्राउंड, बीजी कलर, विड्थ एंड वी अलाइन. अलाइन उस पर्टिकुलर रो के जितने भी कंटेंट हैं उसको अलाइन करता है, ठीक है. मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे पहला रो है, इसमें जो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फ़ोन है, इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में. सो अलाइन इज इक्वल टू, मैंने दिया सेंटर, ठीक है. इफ़ आई गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है, इफ़ आई रिफ्रेश इट, इफ़ यू कैन सी सीरियल नंबर में लगा हुआ है ना, नेम वगैरह सब कुछ. इफ़ आई रीलोड इट, यू कैन सी सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मतलब पहले रो का जितना भी कंटेंट है सारा हमारा सेंटर में आ रहा है, वेर एज जो बाकी रोज हैं उनका सेंटर में नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने जो दिया है वो सिर्फ पहले रो में अलाइन दिया है, दूसरे रो में कुछ नहीं दिया है, ठीक है. दूसरे रो में अगर मैं देता हूँ, मान लो अलाइन इज इक्वल टू राइट, तो दूसरे रो का जितना भी टेक्स्ट होगा दैट विल बी डिस्प्लेड इन द राइट, दैट विल बी राइट अलाइंड, ठीक है. सो अलाइन हो गया. बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड कुछ और इसमें इस्तेमाल करना चाहते हो, पहले रो में, सॉरी पर्टिकुलर पहले रो में कुछ और बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यू कैन पुट अ डिफरेंट पिक्चर ऑल्सो. आप बीजी कलर या बैकग्राउंड दोनों में से कोई एक दे सकते हो. मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे TR के अंदर पहला रो जो है जहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है उसका मैं बीजी कलर करता हूँ, से इज इक्वल टू वाइट, ठीक है. फाइल पे जाता हूँ, सेव करता हूँ. इफ़ आई रीलोड द फाइल अगेन, सो यू कैन सी कि बैकग्राउंड में पिक्चर तो है हमारी टेबल के, लेकिन पहले रो का जो बैकग्राउंड है, पहले रो का जो बैकग्राउंड है दैट विल बी वाइट, ठीक है. देन इज़ द विड्थ, विड्थ ऑफ द टेबल सेम जो हमारा टेबल टैग में था वही सेम विड्थ यहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो. वी अलाइन, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होगा, टॉप होगा, बॉटम होगा या सेंटर होगा. अभी तक तो अलाइन आपने देखा, अलाइन में लेफ्ट राइट सेंटर होता है, और वी अलाइन में ऊपर नीचे कहाँ पे आप रखना चाहते हो, जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पे देख रहे हो ये टेबल सेल है, सेल में सीरियल नंबर आपका सेंटर में आ रहा है, हम इस सीरियल नंबर को टॉप में रखना चाहते हैं, नेम को टॉप में, क्लास को टॉप में, मतलब सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, या बॉटम में करना चाहते हैं. एक अलाइनमेंट हो गया जो सीधे चलता है ऐसे, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट सेंटर राइट. एक होता है टॉप सेंटर और बॉटम, ठीक है, टॉप सेंटर बॉटम. सो इन विच फॉर्मेट यू वांट टू अलाइन, वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट करना है. सो इफ़ आई राइट TR के पहले इसमें मैं करता हूँ वी अलाइन इज इक्वल टू बॉटम,
ठीक है, फाइल पे जाता हूँ, सेव करता हूँ, आई रीलोड इट अगेन, तो ये देख रहे हो नीचे आ गया इंस्टेड ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, सिमिलरली बॉटम की जगह आप राइट टॉप भी कर सकते हो और सेंटर भी लिख सकते हो। नाउ सेंटर की स्पेलिंग सी एन टी ई आर है, नॉट आर ई। ठीक है, सो वी हैव सीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टी आर टैग। नाउ द सब टैग ऑफ द टी आर टैग इज द टी डी टैग। नाउ जो टी डी टैग है उसके अंदर कॉन्टेंट्स होते हैं। अब अभी तो हमने देखा पूरे रो का आपके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, उसी तरीके से सिर्फ एक सेल का अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप वहाँ पर भी अलाइन लिख सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे टी डी है, इसमें जो सीरियल नंबर है उसको मैं लेफ्ट में रखना चाहता हूँ, नेम को राइट में रखना चाहता हूँ, सो आई कैन गिव डिफरेंट अलाइन हेयर। सो अलाइन इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा इसको लेफ्ट तो ये लेफ्ट में अलाइंड होगा, मैंने इसको कहा अलाइन इज इक्वल टू राइट, नेम जो होगा वो राइट में अलाइंड होगा। सो सेव करता हूँ मैं, इसको रीलोड करता हूँ, सो ये देख रहे हो ये लेफ्ट में अलाइंड है, ये राइट में अलाइंड है, बाकी सारे सेंटर में अलाइंड है, बिकॉज इस टी आर में मैंने अलाइन दिया था सेंटर, तो सारे सेंटर में है, लेकिन इसके टी डी में मैंने दे दिया अलाइन लेफ्ट, तो इसका जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट होगा, सेकेंड वाले का जो टी डी का मैंने अलाइनमेंट दिया वो राइट दिया, सो इस वजह से सेकेंड में वो राइट में अलाइंड हो गया। देन इज बैकग्राउंड एंड बीजी कलर सेम। सो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो एक सेल का, खाली एक सेल का है। सो अगर मैं मान लो यहाँ पे पहले टी डी के अंदर बैकग्राउंड चेंज करता हूँ कलर, सो बी जी कलर इज इक्वल टू मैं करता हूँ से येलो, सेव करता हूँ फाइल में जाके, एंड देन आई गो टू क्लिक एंड रीलोड। तो इसमें पूरे जो रो था उसका हमने बैकग्राउंड कलर वाइट किया था, लेकिन वो टी डी के अंदर आके मैंने बी जी कलर येलो कर दिया, तो वो येलो ओवरराइड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर बैठ जाता है। सो इस वजह से टी डी का कलर दिखाता है ना कि टी आर का। सो जैसे टेबल का था, टेबल में बैकग्राउंड हमने दिया पिक्चर, फिर हमने टी आर में दिया तो वो पिक्चर के ऊपर बैठ गया, फिर हमने टी डी में दिया येलो कलर तो वो टी डी का कलर इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, सो बैकग्राउंड में बीजी कलर हो गया। विड्थ आप चेंज करना चाहते हो पर्टिकुलर सेल का, कहने का मतलब है कि एक कॉलम का विड्थ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। सो इसमें अगर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर वाले में, या नेम को थोड़ा बड़ा करना है, या मान लो फ़ोन को बड़ा करना है, चलो सो मैं करता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 200 अगर करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और सेव करता हूँ, सो यू विल सी कि जो फ़ोन नंबर है उसका विड्थ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सीरियल नंबर नेम क्लास एंड सेक्शन। अगर हम विड्थ नहीं देते हैं तो वो बराबर बढ़ जाता है विड्थ, जो टेबल का विड्थ है उसके हिसाब से। ठीक है, टेबल का विड्थ जैसे मैंने 600 दिया था, 600 डिवाइड हो जाएगा पांच कॉलम्स में, लेकिन अब मैंने इसको अगर मान लो 300 दिया तो ऑटोमेटिकली इसका विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, बाकी का थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, नाउ इज द रो स्पैन एंड द कॉल स्पैन, विल डू दिस, ओके विल कंप्लीट दिस टेबल। सो रो स्पैन, अगर आप रोज को ग्रुप करना चाहते हो देन यू विल बी यूजिंग रो स्पैन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप दो कॉलम्स को एक साथ लगाना चाहते हो, वन सेकेंड, नाउ से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू ग्रुप दीज टू कॉलम्स टुगेदर, मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर और नेम अलग अलग दिखा रहा है, यहाँ पे खाली दिखाए नेम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस इट्स टू डिस्प्ले ओनली नेम, और यहाँ पे अलग अलग दिखाए वन, मतलब हेडिंग एक हो दो कॉलम्स की, दोनों कॉलम्स की अगर हेडिंग एक है, सो यू कैन एक्चुअली यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। ठीक, तो कॉल स्पैन हमने कैसे इस्तेमाल करना है देखो, यहाँ पे टी डी में आने के बाद इफ़ यू राइट, से यहाँ पे आपने लिखा कॉल स्पैन इज इक्वल टू टू, दो कॉलम को ग्रुप करना है, तो अब इसमें जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आपको आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसमें पांच कॉलम है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें एक दो तीन
4 and 5. That means these are the 5 columns. This is the first, this is the second, third, fourth and fifth. But agar hum in dono ko group kar dete hain to upar wale mein 4 hi honge. So upar wale mein 4 honge, is wajah se hamara jo hai yahan pe td bhi jo hai, that is only 4. This is the first td, this is the second td and this is the third td and this is the fourth td tag. So इस वजह से एक TD आपको रिमूव करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो कि कॉल स्पैन आप अगर करना चाहते हो. यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह अगर आप देते हो से नेम और फाइल में जाके इफ़ यू क्लिक ऑन सेव, सो इफ़ यू रीलोड दिस पर्टिकुलर फाइल यू कैन सी दैट टू कॉलम्स, जो नीचे दो कॉलम्स हैं उनकी एक ही हेडिंग बन गई है. दैट इज़ वन एक कॉलम, सिंगल कॉलम उनका हेडिंग बन गया है. सो कॉल स्पैन इज़ टू ग्रुप दी कॉलम्स टुगेदर. And similarly, if you want to group the rows together, मतलब इन rows को आपको group करना है किसी तरीके से. So in that case, rows को group करने के लिए you'll be giving, instead of the call span, you'll be giving row span, ROWSPAN. So वो देखते हैं कैसे हम ये चाहते हैं. ये तो हमने कर ही लिया इन दोनों को. तो यहाँ पे जो ये वाला जो टैग होगा जिसमें one लिखा है वहाँ पर आएंगे हम लोग, ठीक है, वहाँ पर आएंगे हम लोग जहाँ पे वन लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे रो स्पैन इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा टू, ठीक है, सो रो स्पैन इज इक्वल टू टू मैंने कहा तो ये जो सेकंड वाला रो है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ये दोनों को ग्रुप कर रहा है. रो स्पैन इज इक्वल टू टू का मतलब ये हुआ कि ये दो कॉलम को जोड़ दो, तो दो कॉलम को जोड़ दे तो ये वाला टी डी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा. सो विल जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट. सो यू कैन सी दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ए रो स्पैन. ये जो आपका एग्जांपल है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द रो स्पैन एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कॉल स्पैन. सो कॉल स्पैन में हमारा क्या होता है, कॉल स्पैन में हमारे कॉलम्स ग्रुप हो जाते हैं. तो कॉलम्स ग्रुप हो रहे हैं तो इन दैट केस If you group the columns together, in that case, only that number of columns will exist after removing that number of columns. मतलब यहाँ पे हमने two किया, तो ये एक TD, दो TD का काम कर रहा है. अगर हम यहाँ पर देते three, तो इसका मतलब ये TD तीन TD का काम करेगा, ठीक है, तीन TD का काम करेगा और तीन और हैं हमारे, तो छः कॉलम होगा एक तरह से. सो उसी तरीके से रो स्पैन अगर हम देते हैं तो रो स्पैन यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये इफेक्ट करेगा नेक्स्ट वाले रो के अंदर. सो अगर हमने कहा रो स्पैन इज इक्वल टू थ्री तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन अगले रो में, पहला तो ये है ही इसको छोड़ के, ये पहला हो गया, सेकंड वाले रो में एक टीडी गायब हो जाएगा, थर्ड वाले रो में एक और टीडी गायब हो जाएगा, ठीक है. सो वी हैव लर्न द रो स्पैन एंड द कॉल स्पैन टैग ऑल्सो attribute also, sorry. So that was in the table section. Thank you.